नमस्कार दोस्तों, भारत को नेपाल की मदद लेनी ही पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है, क्योंकि भारत में इन दिनों टमाटर के दाम है 300 रुपए पर केजी। जी हाँ, आपने सही सुना, 300 रुपए पर केजी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लगातार टमाटर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसके दाम 300 रुपए केजी से ऊपर जा चुके थे कई सारे स्टेट में। तो वही बॉर्डर एरिया जैसे उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग इतना महंगा टमाटर खरीद नहीं सकते थे, और बॉर्डर एरिया से लोग नेपाल जाकर 70 से 75 रुपए में टमाटर खरीद के खा रहे थे। वही एक बड़ा मुद्दा भारत में बन गया कि टमाटर इतना महंगा है, कैसे खाया जाए। इसके लिए भारत की सरकारों को कहीं ना कहीं इधर उधर ताक झांक करनी पड़ी और टमाटर की सप्लाई को देखना पड़ा, और मदद मिली तो नेपाल से, जहां से कई सारे टमाटर का इंपोर्ट किया गया। आपको बता दें कि भारत में टमाटर के दाम 3000% तक होलसेल मार्केट में बढ़ चुके हैं, और बड़े शहरों की मार्केट्स में ये और ज्यादा है। और टमाटर का इतना हैवी प्राइस होने की वजह से लोग टमाटर खा नहीं पा रहे, या तो फिर वो नेपाल से टमाटर ला रहे हैं। दोस्तों टमाटर के प्राइस के बढ़ने की वजह हैवी रेन को बताया जा रहा है, जिसके कारण टमाटर की फसलों पर काफी असर पड़े हैं भारत में। लेकिन इसका फायदा नेपाल के किसानों को देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं नेपाल को ज्यादातर एक्सपोर्ट करने वाला भारत अब नेपाल से टमाटर को इम्पोर्ट कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जरूरत हर किसी से पड़ती है, और इस जरूरत पर नेपाल भारत के काम आया। आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस शॉर्ट अपडेट में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए NI News with Shivam।